हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक बी स्टडी। आज फॉरेन मार्केट का लेक्चर नंबर सेकंड होगा जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन मार्केट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास फॉरेन मार्केट के अंदर हमने, अगर आपको ध्यान में हो, तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट किया था इसी के अंदर। और आज कुछ नया करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं फॉरवर्ड रेट फाइंड करना। आज का भाव दिया है तो एक महीने के बाद या दस दिन के बाद या डेढ़ महीने के बाद या दो महीने के बाद उसका वैल्यू कितना होगा उसे फाइंड करना, मतलब फॉरवर्ड रेट कहते हैं। समझ में आएगा? क्वेश्चन में स्पॉट रेट दिया ही रहेगा, क्योंकि स्पॉट रहेगा तो ही उसके बेसिस पे आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते। जैसे इन दिस गिवन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द 1, 2 and 3 month फॉरवर्ड यूएसडी आईएनआर एंड यूएसडी सीएचएफ रेट। एक मैं सॉल्व करूंगा, एक तुम लोग ट्राई करना यहां पे बैठ के, ठीक है? क्या बोला है? 1 month का फॉरवर्ड रेट, 2 month का फॉरवर्ड रेट, 3 month का फॉरवर्ड रेट निकालना है, यूएसडी आईएनआर का भी और यूएसडी सीएचएफ। देखो, दो क्वेश्चन एक ही के अंदर आ गया। यूएसडी आईएनआर का स्पॉट वैल्यू दिया हुआ है, एक महीने के बाद कितना चेंजेस होगा, दो महीने में कितना चेंजेस होगा, 3 month में। अब ये पॉइंट नहीं है, 1 month, 2 month और 3 months है। सिमिलरली यूएसडी सीएचएफ का भी दिया गया है, ठीक? आपको कैसे सॉल्व करना है जरा एक बताता हूं। और जो चीज आज करूंगा एक समय ऐसे सब समय वैसे ही होंगे, मैक्सिमम कवर करने का ट्राई कर रहा हूं कि भाई फॉरवर्ड रेट आज वाइंड अप कर देगा। सबसे पहला स्पॉट रेट यूएसडी आईएनआर का कितना दिया है? 54.0625 एंड 54.0675। ये बिड वैल्यू और ये आस्क वैल्यू है। अब आज का भाव इतना है, एक महीने के बाद 850 और 900 होने वाला है, 850 और 900 होने वाला है। तो क्या वैल्यू, जो प्रीमियम है ये जो दिख रहा है, बिड वैल्यू कितना है? 850। आस्क वैल्यू कितना है? 900। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब प्रीमियम, और कम हो रहा है मतलब डिस्काउंट। प्रीमियम है तो ऐड करने का और डिस्काउंट है तो माइनस करने का। जो भी स्पॉट वैल्यू रहेगा उसके अंदर, चाहे एक मंथ का हो, चाहे दो मंथ का हो, चाहे तीन मंथ का, जैसा भी हो, अभी एक महीने का इधर वैल्यू दिख रहा है 850 और 900 दिख रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो अपन क्या कहते हैं इसे? प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम कितना? 850 और 900। 850 मतलब लास्ट का 3 digit, बराबर है। तो इसके अंदर 850 अपने को ऐड करना है और इधर 900 ऐड करना है लास्ट के 3 digit में। 1, 2, 3, 4 digit था ना, तो 0, 5, 8, 0 पॉइंट कर दिया। एंड सिमिलर ऐड प्रीमियम है तो ऐड होगा और डिस्काउंट है तो माइनस होगा। तो ऐड करेंगे तो एक महीने के बाद इसका भाव कितना हो जाएगा? एक महीने का इसका भाव हो जाएगा 5, 7, 14, 1, 5, 4। तो 5, 4, 1, 4, 7, 5 और इधर 5, 7, 15 का 5, 1 और 1, तो 5, 4, 1, 5, 7, 5। तो एक महीने के बाद का भाव ये है, मतलब आफ्टर 1 month दिस विल बी माय स्पॉट रेट। दो महीने के बाद, तो इसी के अंदर 2 months का ऐड हो जाएगा। अब उसके लिए देखना पड़ेगा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। 1875, 1975 बढ़ ही रहा है, मतलब ऐड ही होगा। वापस से अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये आज का स्पॉट कितने महीने के बाद का वैल्यू ऐड करने का? 2 months। तो 2 month के बाद वैल्यू कितना होने वाला है? 1875, 1975। तो लास्ट के चार डिजिट ऐड करने का, 2 महीने के बाद का भाव निकाला। आप कैलकुलेट पे ऐड करके चेक करो, कुछ करेक्शन रहेगा तो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ये सॉल्व नहीं कर, जैसा है वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देख लो, बराबर 2 महीने का हो गया। अभी 3 महीने का निकालना है, कैसे करोगे? ऐड होगा कि लेस होगा देख लो। क्यों? बढ़ रहा है, समझ में? तो ऐड कर दो इसके अंदर, डन विद योर सम। हाँ, मेरे को मालूम है ये इजी है। फंसेंगे किधर? अगर वो बोल रहा है 1 month 10 days, 2 month 15 days, उस केस में सिंगल सिंगल मंथ दिया, डायरेक्टली दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अब ऐसा देगा 50 दिन के लिए निकालो, 80 दिन का निकालो, 150 दिन का निकालो, उस सिचुएशन में सम थोड़ा सा अटक जाते। कोई अट्रैक्टिंग का जैसा नहीं है, आप ये समझ दो, वह सारी चीजें भी होगी। चलो, ये मैंने यूएसडी का किया, आपको यूएसडी सीएचएफ करने का। देख लो, स्पॉट रेट निकाला, हाँ,
10 था, 5 हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट फॉर वन मंथ कितने, लास्ट के दो डिजिट, तो 0.0010, 0.0005, समझा ना? तो माइनस करो तो कितना आंसर आ रहा है, देखो 85 हो जाएगा और यहां पे पास 700 हो जाएगा, समझा? चलिए वापस से 50 0.9695, फिर से लेस ही हो रहा है तो माइनस ही होगा, लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो डिजिट, ये लिखने को समझना, अभी तुम्हें बोल रहा तुमको समझ रहा है, इन कैसे लिखना है वो समझ लो। चलिए माइनस कर दोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 22 माइनस करे 73, 12 माइनस कर दो 93, 693 बराबर है, क्लियर हो गया। चलिए थ्री मंथ्स का भी सेम पैटर्न, क्या हो रहा है, डिस्काउंट ही आ रहा है और डिस्काउंट वैल्यू माइनस किया, डन विथ योर फर्स्ट सम। एनी डाउट, पक्का? चलिए बढ़ते देखते क्वेश्चन में दिया गया है, बेस्ड ऑन द गिवन एग्जाम्पल कैलकुलेट थ्री मंथ फॉरवर्ड रेट, डायरेक्टली थ्री मंथ का फॉरवर्ड रेट निकालना है, बट फॉरवर्ड फॉर सी एच एफ INR कोट, इसका मतलब यूएसडी INR मालूम है, यूएसडी सी एच एफ मालूम है, यूएसडी यूएसडी कॉमन कट जाएगा तो सी एच एफ INR आएगा, और उसी का थ्री मंथ का पहले निकालो, उसका बिड मालूम है, उसका आस्क मालूम रहेगा, उसी से अपने को उसका क्या फाइंड करने का है, सी एच एफ INR फाइंड है। तो क्या बोले, वापस पहले मैं यूएसडी INR का थ्री मंथ का कोट निकालूंगा, फिर यूएसडी सी एच एफ का थ्री मंथ का कोट निकालूंगा, फिर दोनों को क्रॉस करेंसी से उनका सी एच एफ INR वैल्यू निकालूंगा, एंड दैट विल बी माय आंसर। हाँ वही है, आपको घुमा घुमा के सारी चीजें एक ही जैसी है, खाली वो घुमा घुमा के चीजें पूछने वाली। चलिए तो सबसे पहला स्पॉट रेट USD INR का फाइंड करो, तो USD INR का स्पॉट वैल्यू दिया था, बराबर है, USD INR स्पॉट वैल्यू लिखा, थ्री मंथ्स का पूछा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सर बढ़ ही रहा है, 3025, 3225 है, बढ़ रहा है, तो प्रीमियम ही यहाँ पे लास्ट के चार डिजिट ऐड कर दिया, ये समझ में आया। तो मैंने ये USD INR का तीन महीने का फॉरवर्ड रेट फाइंड किया, कौन से फॉर्म में, USD INR के फॉर्म में। अब USD CHF का प्रेजेंट वैल्यू ले लिया, स्पॉट वैल्यू लिखा, थ्री मंथ्स के बाद डिस्काउंट हो रहा है, वैल्यू निकाल लिया, तो ये मुझे USD INR मिल गया, USD CHF मिल गया, USD USD कटेगा तो INR CHF आएगा, हाँ तो क्रॉस करेंसी रेट में अपने को CHF INR निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है CHF INR USD USD, मेरे पास USD INR USD CHF है, तो मुझे चाहिए CHF USD है क्या, नहीं, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, USD INR है तो बिड में तो ये सेम आ जाएगा, बट इधर इनवर्स आएगा, यहाँ पे आएगा 1/USD CHF का आस्क, USD INR का बिड, आस्क नहीं बिड ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है बट यहाँ पे क्या रहेगा, बिड वैल्यू। चलिए तो बिड वैल्यू मतलब यही रहेगा उसका, और आस्क में इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पे आ जाऊंगा 1/1/0.9658 और इसका बिड वैल्यू कितना था, यहाँ पे क्या लिखा भाई, यहाँ पे आस्क वैल्यू कर दिया, बिड वैल्यू लिखना, बिड वैल्यू बिकॉज USD INR चाहिए ना अपने को, USD INR में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 543650 करना, ये इसका बिड वैल्यू है, 543650 डिवाइडेड बाय 0.9658 करो कितना आ रहा है, 4, 6, 2, 9, 0. हाँ तो अभी इधर लो 3900 से सॉल्व किया हुआ है, इसके लिए तो फर्क दिखेगा, इसके तो क्या आंसर आ रहा है मेरे को बोलना, तो मैं लिख देता हूँ, ये फिर बाद में स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं, समझा ना मैंने क्या कहा, देखो CHF INR का बिड वैल्यू निकालना है, तो CHF INR बीच में USD बिड और BD रहेगा, बट USD CHF मालूम है क्या, नहीं, अपने को इसका रिवर्स चाहिए, तो इसका ये वाला वैल्यू यहां पे आएगा, और बिड USD INR मालूम है, हाँ सर USD INR तो मालूम ही है, तो बिड है तो बिड वैल्यू ही लिखा जाएगा, यहाँ पे बिड वैल्यू ही लिखा जाएगा, और बिड वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आपको आएगा 54.3650 अपॉन 0.9683, बराबर करो डिवाइड और बताओ कितना आ रहा है,
कितना 56.1447 डबल फोर है क्या? ठीक है 1447 ये क्लियर हुआ। सिमिलरली तो CHF देखो दोनों साथ में सॉल्व करके दिखा दे, अपन ने एक ही निकाला 56.1447 देखो ये आया ना इधर लिखा है और ये जो लिखा हुआ है ये आस्क वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब मर्ज हो गया है पूरा सम, हाफ ही सॉल्व है, दूसरा मैं सॉल्व करके देता हूं, इधर सॉल्व नहीं है। आस्क लिखूंगा तो क्या आएगा CHF USD आस्क वैल्यू इंटू USD INR आस्क वैल्यू, पर इसका उल्टा आ जाएगा 1/USD CHF बिड वैल्यू इंटू, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, कौन सा वैल्यू आस्क वैल्यू, तो देख लो USD CHF का बिड वैल्यू ये आएगा, हाँ तो ये आएगा 1/0.9658 इंटू आस्क वैल्यू क्या है ये 54.3900। देखो ये आंसर आएगा ये बिकॉज इधर यही दिख रहा है मेरे को पूरा, ठीक है क्योंकि इधर करेक्शन करने का था ना आपने, वो किया था अपने यहाँ पे, ठीक है तो इधर आंसर आ गया आपको। तो ये मुझे जो आंसर आया ये कौन सा वैल्यू आया आस्क वैल्यू, और जो मैंने इधर फाइंड किया था वो था मेरा बिड वैल्यू, तो देखो बिड वैल्यू और आस्क वैल्यू, क्लियर हुआ सम? करेक्शन था थोड़ा सा, समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व किया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम, देखते वापस क्या पूछा गया है। यस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, If this is done, भाई खत्म, फिर कुछ नहीं बचता है। Based on the following data, establish quotation for 50 days USD NO. इसका 50 दिन का forward rate find करना है और 108 दिन का इसका value find करना है, दोनों अलग अलग। इसका कितने दिन का quote निकालना है और इसके लिए कितने दिन का quote निकालना है? 50 दिन का मतलब क्या हुआ? तो 1 month + 20 days, 1 month कितना डेज होता है, प्लस 20 करूंगा तो कितने दिन होंगे, तो मुझे 1 month का, 3 months का और 6 months का रेट दिया है, डेज का नहीं दिया है। तो 1 month इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डेज, 3 month इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डेज एंड 6 months इज इक्विवेलेंट टू, मुझे अगर 50 दिन का कोट चाहिए तो 50 दिन का कोट कैसे मिलेगा, 30 और इसमें से सिर्फ 20, और अगर मुझे 108 दिन का कोट चाहिए तो ये तो पूरा 90 तो रहेगा ही और इधर 18 दिन और। सर क्या बोले, कुछ नहीं समझ रहा है सर, पूरा बाउंसर गया वापस। मुझे 50 डेज निकालना है, तो 50 डेज का मतलब 1 month तो आएगा ही, 1 month मतलब 30 डेज तो आएगा और 20 दिन का भी कोड चाहिए, बट यहां पे तो 3 months का कोड दिया है। समझ रहा है पक्का ना, 50 डेज का फॉरवर्ड रेट निकाला, क्वेश्चन में 50 डेज नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1 month का, 3 months का और 6 months का, तो 1 month तो निकल जाएगा उसका डायरेक्टली 3 months है, लेकिन मुझे 50 चाहिए वो तो इधर बीच में कहीं पे, कितने दिन पे, 20 डेज पे, 30 + 20 तो 50 होने वाला है, तो अपना जो रेट है वो इन दोनों के बीच में है 50 के लिए, और 108 के लिए बात करूंगा तो मेरा इन दोनों के बीच में। पहले स्लैब समझ लो, क्लियर स्लैब समझा है, अब सॉल्व कर रहा हूं जरा ध्यान देना। 50 निकालने के लिए पहले 1 month का निकालने का, 50 के लिए पहले क्या निकालूंगा 1, क्योंकि मेरा जो आंसर है 1 और 3 months के बीच में, तो पहले 1 month का तो कोटेशन निकाल ही लेता, 1 month के स्पॉट वैल्यू ले लिया, अभी लास्ट का 25 है, 25 है तो इधर बढ़ जाएगा, याद आएगा ये 6 हो जाएगा, 5825 तो नहीं लिख सकता हूं मैं, तो ये एक ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 58625 हो जाएगा, बराबर ना। तो स्पॉट वैल्यू समझ में आ गया, एक महीने में 175 200 बढ़ रहा है, प्रीमियम है,
प्रीमियम वैल्यू आ गया। तो एक महीना मतलब ये जो कोट आया ये 30 डेज का आ गया। अब इसमें और ऐड करना है कितने दिन का ऐड करना है मुझे। अब वो कैसे ऐड करेंगे जरा ध्यान है। तो इसके अंदर मुझे और 20 डेज ऐड करना है। अब वो ऐड और लेस कुछ भी हो सकता है। ऐड ही क्यों लिखा मैंने, तो मैंने देखा मेरा जो इधर का भी कोट है वो बढ़ ही रहा है। हाँ या नहीं, क्लियर। बिड को बिड से कंपेयर करो, आज को आज से कंपेयर करो। कैलकुलेशन ध्यान से सुनना समझना। ये 30 डेज के लिए था और ये कितने डेज के लिए, तो इसमें कितना बढ़ रहा है, 175 से 535 तक आया, कितना इंक्रीज हो रहा है, 175 था और इधर कितना 390, कितने डेज के लिए, 90 डेज के लिए, तो वन डे के लिए कितना और फिर 20 डेज के लिए कितना, समझा। जो आपका इंक्रीज हुआ है वो कितने दिन में इंक्रीज हुआ है, 90 दिन में। जो इंक्रीज हुआ कितने दिन में हुआ, 90 दिन में, चाहे भीड़ हो या चाहे आज को। तो अगर 90 दिन में इतना है, एक दिन में कितना, वो फॉर्मूले से सॉल्व करते लो। इधर फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में क्या लिखा है मैं मेरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉरवर्ड मार्केट रेट, स्पॉट मार्केट रेट, स्पॉट मार्केट रेट इनटू डी, डी मतलब जितने डेज के लिए आपको चाहिए। सिंपल है, 535 बिड 175, कितना डिफरेंस, ऊपर बिड अपॉन डेज, कितने डेज के लिए था 90, पहला डेज कितने के लिए था 30, तो जो इंक्रीज हुआ कितने डेज में इंक्रीज हुआ, 60 डेज में। तो देखो इसको माइनस करो, पहले 535 माइनस 175 किया था आपने, अभी आपको आया था 360 दिन, कितने दिन के लिए, तो एक दिन का कितना इंटू 20 दिन का कितना भाव बढ़ेगा, समझ में आया। बस फॉर्मूला लिखा है, कंसेप्ट क्या है कि भाई कितना बढ़ रहा है, कितने दिन में, ये 30 डेज के लिए था, ये 90 डेज के लिए था, तो कितने दिन में बढ़ा ये भाव, 60 दिन में बढ़ गया। तो 60 दिन का कितना भाव बढ़ा है, तो एक दिन का कितना है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। तो अपने को ये बिड वैल्यू, बिड साइड मिल गया, आस्क साइड पे जाते हैं, कितना बढ़ रहा है बाबा, 200 और 500 390, कितने दिन में, 60 डेज के लिए, सेम 390 डिवाइडेड बाय 60 करो इनटू कितने डेज, 20, तो 120 और 130 ये बिड है, ये आस्क है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब प्रीमियम है, तो प्रीमियम है 120 130। ये 20 दिन का भाव मिला ना, जैसे इधर दिया था, तो 20 दिन में कितना बिड और कितना आस्क मिल गया, उतना हमने ऐड कर दिया, तो अपने को 50 दिन का आंसर आ गया। बस डन हो गया, इफ दिस इज डन, डन विद दिस टॉपिक। इतना ही है, डिफिकल्ट टास्क यही है, ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम ये, ठीक है। अब CHF कितने दिन के लिए निकालने का है, 108, चलिए ठीक है। स्पॉट वैल्यू लिख दिया, अब 03 है, 9303 मतलब इधर 5 हो जाएगा ना, 503, ये समझा, चलिए 8 और 3 तो डिस्काउंट है, 8 और 3 तीन महीने का निकाल रहे हैं, क्योंकि अपना 108 में जाने वाला है ना, तो 3 months 29 और 18 बराबर, माइनस कर दिया, वैल्यू आ गया, तो 3 महीने का तो आ गया, 3 महीना मतलब 90 डेज आ गया। अपने को कितने डेज चाहिए, तो 90 हो गया, तो और 18 दिन का कॉस्ट निकालने का है, तो 18 दिन का कॉस्ट इन दोनों के बीच में रहेगा, सेम 65 और 29 माइनस करेंगे, 48 और 18 माइनस करेंगे, तो सेम कैलकुलेशन फॉर 18 डेज। देखो बिड साइड 65 माइनस 29 180 माइनस 90, 180 क्यों सर, 60 डेज कितना हुआ, 6 मंथ, और ये कितना था 90, तो ये कितने दिन के लिए, तो 65 माइनस 29 करो कितना आ रहा है, 65 36, कितने डेज के लिए, डिवाइड करो 0.7 आ रहा है, 7.2 इंटू कितने डेज के लिए, अच्छा तुम्हें एक दिन का पूछ रहा था बाबा, चलो ठीक है कोई नहीं, आपको आ रहा है 7.2, ओके सेम गोज फॉर आज रेट, 7.2 को राउंड अप करके 7 कर दिया, क्योंकि पॉइंट इधर नहीं लगा सकते, ऑलरेडी ये जो अमाउंट है वो पॉइंट में ही होता है यहाँ पे, तो 7.2 क्या पॉइंट करेंगे, तो राउंड अप करके उसको 7 कर दिया, सेम आज रेट पे गए
6 आ गया। तो अब 7 और 6 में क्या आ रहा है, डिस्काउंट यहाँ पे माइनस होगा। तो फॉर 18 डेज 0.00007 0.00006 माइनस किया तो 108 दिन का वैल्यू आ गया। बस ये समझ जाओ, सम खत्म है। अभी इसके बाद सब यही करने वाला हूं, ठीक है, पक्का? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये प्रपोर्शन वो सब लैंग्वेज लिखा था, यहाँ पे आते हैं। कितने डेज के लिए बोला है? 58 डेज और 115 दिन। किसके लिए? जीबीपी एसई के लिए, वो तो है ही नहीं, यूएसडी एसई की है, जीबीपी यूएसडी है। तो क्रॉस करेंसी पहले आप बीड और आस निकाल लोगे, उसका बीड और आस निकालने के बाद 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का जो वैल्यू है वो अपने को मालूम रहेगा। उसके बेसिस पे 58 डेज का भी निकालेंगे और 115 दिन का भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्पॉट यूएसडी एसी की दिया हुआ है, अब 80 और 30 है तो ये बढ़ जाएगा, एक 9 का 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 हो गया, 10 हो गया, मतलब 0 और 1 ऊपर आ गया ना, और इधर 0.30 डाल दिया, डन है, पक्का। चलिए कितने मंथ का चाहिए? 58 है, 58 मतलब 1 मंथ और 3 मंथ के बीच में आएगा। पहले 1 मंथ का डाल दिया, 140-170 प्रीमियम है तो ऐड ही होगा, 1 मंथ का रेट आ गया। अब कितने डेज का और निकालना है? 28 डेज का निकालना है। तो 28 डेज के लिए कैलकुलेशन करते हैं, कैसे? तो 460 और 140, 530 और 170, 460 140 90 30 इनटू कितने डेज के लिए निकालना है? 28 डेज, 149.33, 149 कर दूंगा मैं इसको, आस्क वैल्यू पे जाते 530 130 90 30 168 149 160, प्रीमियम ही है, प्रीमियम में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 149 168। तो अपने को जो भाव आया यूएसडी एसी का कितने डेज के लिए आया, और अपने को जीबीपी यूएसडी कितने डेज के लिए, 58 और इसके लिए निकालना है ना। तो ये आ गया बिड वैल्यू, आस्क वैल्यू यूएसडी और एसी की का आया है, अपने को जीबीपी एसी के लिए निकालना है। लॉजिक समझ रहे ना? चलिए अब वापस है, जीबीपी यूएसडी का स्पॉट वैल्यू लिख दिया 10, सेम ही रहेगा। कितने डेज के लिए निकालना है? 115, मतलब 90 और 60 के बीच में नहीं, बीच में रहेगा। तो ये वाला वैल्यू दिखेंगे, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? 42 और 27 कम हो रहा है, मतलब डिस्काउंट आएगा, बराबर है। ये 12 लिखा है इधर, 42 और 7 आ गया, 42 और 7 आएगा, इधर करेक्शन है। अच्छा नहीं नहीं करेक्शन नहीं है, बताओ क्या किया है, दो बार सॉल्व करना है सबको। एक बार 58 डेज के लिए, क्योंकि ये 58 डेज का निकाला ना, तो इसका 58 डेज का जीबीपी और एसी की भी निकालना था, इसलिए इन्होंने पहले 58 डेज का कैलकुलेशन किया और फिर 115 दिन के लिए किया रहेगा। नहीं समझा सर, क्या बोले आप? ये जो मैंने भाव निकाला, ये जो मैंने भाव निकाला वो कितने डेज के लिए निकाला है, क्या निकाला है? यूएसडी एसी की का। अब क्रॉस करेंसी निकालने के लिए 58 डेज का भी अपने को ये भी मालूम होना चाहिए ना, जीबीपी यूएसडी का क्रॉस करेंसी निकालने, दोनों अगर 58 डेज का रहेगा तो ही अपन क्रॉस करेंसी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका 115 का निकालूंगा और इसका 158 का रहेगा तो क्रॉस करेंसी कैसे होएगा? रेट सेम रहेगा क्या? समझा क्या बोला? नहीं, मैंने यूएसडी एसी की निकाला ना, कितने डेज के लिए निकाला है? 58 डेज के लिए निकाला। अब जैसे ये 58 डेज के लिए निकाला, इसका भी 58 डेज का निकालूंगा, ये भी 58 डेज, ये भी 58, तो ये कैंसिल होगा, दोनों का 58 डेज का कोट मिलेगा ना, और अपने को 58 डेज का भी कोट निकालना है और 115 दिन के लिए भी दोनों का निकालना है। देखो ना, इसके लिए पहले मैंने जीबीपी यूएसडी का एक ये निकाला और एक 58 डेज का निकाला, फिर 115 दिन के लिए दोनों का कैलकुलेशन करूंगा। सम थोड़ा लेंदी है, एग्जाम में इतना लेंदी नहीं आएगा, अभी तो एक्सप्लेनेशन है इसलिए अपन सम इतना सब कर रहे हैं, क्लियर। अब यहां पे आ जाऊंगा, जीबीपी यूएसडी का स्पॉट वैल्यू, जीबीपी यूएसडी का स्पॉट वैल्यू ले लिया, 58 डेज के लिए 1 मंथ ही लेना पड़ेगा, 12 तो डिस्काउंट आने वाला, यहां पे माइनस कर दिया, डन। अब और कितने डेज के लिए निकालना है? 58 के लिए, मतलब 30 हो गया और 28 डेज का डिस्काउंट रहेगा, तो सेम कैलकुलेशन कर रहा हूं। बिड वैल्यू देख लो यहां पे, 42 और 12 27 और 7, तो यहां पे 42 और 12 90 30 बराबर इनटू 28 करना है, तो इसका आ रहा है 14 आ रहा है,
और इसका आस्क वैल्यू सेम किया, इसका राउंड ऑफ करके 9 कर दिया, तो 14 है, 9 है मतलब डिस्काउंट ही है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 9। जीबीपी यूएसडी का 58 डेज का दोनों का वैल्यू मिल गया। अब इसी को अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंसी करेंगे। तो क्रॉस करेंसी फाइंड करने के लिए 58 डेज के लिए जीबीपी एससी की फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला था, फॉर्मूला लिखा जीबीपी एससी की यूएसडी यूएसडी। अब जरा चेक करो जीबीपी यूएसडी मालूम है क्या? हाँ जीबीपी यूएसडी मालूम है, यूएसडी एससी की हाँ सर मालूम है, बिड और बिड लेने का डायरेक्ट लाइक मल्टीप्लाई करोगे, इसका बिड वैल्यू, इसका बिड वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, बराबर सेम आस्क वैल्यू को आस्क वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 98666, देयरफॉर आपका फॉरवर्ड रेट 50 डेज का आ गया। अभी समझा? वही सेम, अब सेम कैलकुलेशन, बट अब कितने दिन के लिए लेने का है, 115 डेज। समझा सम कैसे सॉल्व किया है? चलिए वापस है, यूएसडी एससी का स्पॉट वैल्यू सेम, अभी 115 दिन के लिए अपन कौन सा रेट लेंगे, ये वाला लेंगे ना, पहले 90 और फिर उसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर 90 डेज डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 90 डेज तो आ गया। अब और कितना दिन चाहिए, 115 है, 90 दिन का हो गया है, 90 मतलब और 10 और 15, 25 दिन, यहाँ पे और कितने डेज का ऐड करना अपने को, 25 डेज, सेम कैलकुलेशन, बिड वैल्यू 460 एंड 1080, तो 1080 माइनस 460 होगा, 1050 माइनस 460 और डिवाइड बाय 90 इनटू 25, पॉइंट में आया है तो 164 कर सकते हो, 0.8 है ना, तो 164 राउंड ऑफ किया। आस्क वैल्यू में जाएंगे, आस्क वैल्यू कितना है, 1150 और 530, 1150 530 कितने डेज के लिए, 90 डेज के लिए, 172.2 है तो 172 ही रहेगा राउंड ऑफ करके, हाँ प्रीमियम हो रहा है 6470 प्रीमियम है तो ऐड हो जाएगा, क्लियर हुआ, ऐड करके अपने को 115 दिन का यूएसडी एससी का वैल्यू मिला। सेम जीबीपी यूएसडी कितने दिन के लिए फाइंड करेंगे, जैसे यहां पे किया था, तो जीबीपी यूएसडी का स्पॉट वैल्यू लिया, 90 डेज का डिस्काउंट माइनस कर दिया, 90 डेज का, तब और कितने दिन का डिस्काउंट माइनस करने का, 25, सेम वैल्यूएशन देखो यहाँ पे 142 कितने डेज के लिए, 90 डेज के लिए, तो 25 दिन के लिए 16.1 तो 16 आएगा, क्या हो रहा है, बाउंसर जा रहा है, फास्ट जा रहा है, समझ रहा है, यहाँ पे आस्क वैल्यू भी ले लिया 16 और 12 डिस्काउंट है, तो 16 और 12 डिस्काउंट है, डन। अब क्रॉस करेंसी फाइंड करेंगे, सेम 115 दिन के लिए जीबीपी एससी की सेम फॉर्मेट में जाएगा, डायरेक्ट कोट मालूम है दोनों का, डायरेक्ट इधर भी है तो उधर भी डायरेक्ट कोट ही रहेगा, दिस इज द फॉरेन करेंसी, स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट ऐसे ही आएगा। डिफिकल्ट सम है ये, इफ दिस इज डिफिकल्ट तो इजी क्या है समझ लो, क्लियर। चलिए और एक सम लेता हूं, 50 अरे किया हुआ है अपन ने, बट नहीं कोट अलग अलग है, बट अभी 58 और 108 का आपने किया था, कैसे सॉल्व करोगे, पहले स्पॉट वैल्यू लोगे 58 है मतलब 1 मंथ आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लोगे, और अगर 108 निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे, और कुछ क्रॉस करेंसी वगैरह कुछ यूएसडी एनओ की पूछा है, यूएसडी सीएचएफ जैसा पूछा वैसे ही है, मतलब देर इज नो डिफरेंस, सेम कैलकुलेशन देख लो, फटफट कर रहा हूँ मैं, खाली डिस्प्ले करवा रहा हूँ, सेम क्रॉस करेंसी किया 120 130, सेम आपने जैसे सम किया था वही सेम रेट दिख रहा है मेरे को, इधर डिस्काउंट ले लिया, बस सिंगल सिंगल रेट कोड फाइंड करने का, सेम सम है, सम भी मेरे को सेम ही लग रहा है, 76 120 130 सेम ही लग रहा है, क्लियर है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट स्पॉट, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, मंथ दिया हुआ है, 1 मंथ अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, तो यहां पे ये समझेंगे पर मंथ दिया हुआ है, तो अगर 2 मंथ्स का बोला तो ये 2 मंथ्स का हो जाएगा, 3 मंथ्स बोला तो ये 3 मंथ्स हो जाएगा, 4 मंथ बोला तो 4 मंथ, सर ऐसा क्यों, तो अपने को दिया अप्रैल का डेट, तो अप्रैल से 15 अप्रैल से 15 मई तक जाऊंगा तो 1 मंथ आएगा,
फिर 15 जून तक जाऊंगा, 15 जुलाई तक जाऊंगा, सो ऑन। तो आपने उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट द कोटेशन ऑफ द बैंक एम फॉर 2 मंथ 3 डेज, 3 मंथ 7 डेज। हाँ बस ये और कुछ नहीं, ट्विस्ट टर्न्स है वो करना, तो वही है जो आपको मालूम है। पहले स्पॉट रेट मालूम है, हाँ मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट डेट दिया था 15 अप्रैल, डे में अपन 2 दिन ऐड करते हैं ट्रेड डेज के लिए, तो स्पॉट डे के अपन क्या करते हैं, जो भी डेट था उसके अंदर 2 दिन ऐड करते, तो 15 में 2 दिन ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 मंथ फॉरवर्ड डेट विल बी 17th of June, क्लियर। प्लस 3 दिन और पूछा है, तो 17 में 3 दिन ऐड करेंगे तो कितना जून हो जाएगा, अपने को 20 जून तक का वैल्यू निकालने का। बात समझ में आया? हाँ पक्का ना? जो भी तुम्हारा स्पॉट रेट था उसके अंदर 2 दिन ऐड करते आप, तो आपका जो स्पॉट रेट हो जाएगा वो 17 अप्रैल का होगा। अब हमको फाइंड करना है 2 मंथ का फॉरवर्ड, तो 17 अप्रैल में 2 मंथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा। 17 अप्रैल जो भी ईयर है 2016 है, इसमें 2 मंथ ऐड करूंगा तो 17/6/2016 हो जाएगा, और 3 दिन उसने बोला है ऐड करने, तो ये हो जाएगा 20 June 2016। ये 2 मंथ 3 डेज का फॉरवर्ड रेट, ठीक। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यूएसडी आईएनआर का स्पॉट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट मतलब 17 तारीख का, 17 अप्रैल का, कितने दिन का फाइंड करने का, जून तक का फाइंड करना है, तो ऐड करूंगा 31 मई तक, क्योंकि जून के कितने दिन लेने के, खाली 20, मई तक तो जाना ही है ना पूरा, तो मई का कोड तो मिलेगा पूरा का पूरा, तो मई का कोड है 161016, बढ़ रहा है मतलब प्रीमियम है, क्लियर हो गया। और अब कितने दिन ऐड करूंगा, खाली 20, ये जून के 20 दिन तक ही चाहिए, यहां पे मंथ नहीं दिया तो ऐसा कैलकुलेशन होगा, ठीक हुआ। तो 20 दिन के लिए कैलकुलेशन वर्किंग बना देंगे। बिड वैल्यू कितना, 27-1610 और इधर 2850-1660, और ये कितने डेज के लिए, 30 डेज के लिए, देख लो 30 डेज के लिए, तो 2750-1610 डिवाइड बाय 30 आएगा, इनटू अपने को कितने दिन के लिए निकालना है, 20 दिन के लिए, 760 आया, सेम इधर आएंगे 30 डेज के लिए, 793.3793 राउंड ऑफ कर दिया, वैल्यू बढ़ रहा है कम हो रहा है, सब बढ़ रहा है, मतलब प्रीमियम ही है, समझा पक्का। और सर 3 मंथ 7 डेज भी बोला है, पर सॉल्व नहीं किया शायद लोग ने, हाँ नहीं किया, नेक्स्ट सम पे आ गए। वाह, अगर 3 मंथ बोला रहता तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल इधर बाजू में लिख के दे रहा हूं। 17 अप्रैल 2016, 3 मंथ्स, तो ये हो जाता 17/7/2016, कितने डेज और, 7 डेज, जुलाई का डेट दिया हुआ है, तो जुलाई के कितने दिन चाहिए अपने को, तो जून तक का रेट निकलेगा, जैसे इधर मई तक का यूज किया था, बट इस सम के लिए आप कहां तक का यूज करोगे, जून तक का रेट यूज करोगे, क्लियर। हाँ पक्का, जून तक का रेट क्लियर करना है, फिर कितने दिन का कोट निकालोगे, 24 जैसे यहाँ पे, और वो डिवाइड बाय 30 होगा उधर भी, बिकॉज मंथली दिया हुआ, एक एक मंथ दिया हुआ, डिवाइड बाय 30 करोगे, सेम। और अब सिंपल है, क्या दिया है, 6 मई स्पॉट, 1 मंथ 10 डेज, सेम कैलकुलेशन, तो 6 मई है, इसमें 2 दिन ऐड हो जाएगा, तो 8 मई जो भी आपका ईयर रहेगा, ये हमारा स्पॉट रेट हो गया, बराबर है। और फिर कितने मंथ का निकालना है, 1 मंथ का निकालना है, 2 मंथ का निकालना है, उसी हिसाब से हम लोग मीनाक्षी सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डेट बराबर 1 मंथ मई में, 2 महीना, 1 महीना ऐड करो तो जून हो जाएगा, और कितने, 10 दिन, 8 और 10 18, क्लियर। चलिए यूएसडी आईएनआर का स्पॉट ले लिया, 18 जून तक जाना है, बराबर है, तो यहां पे जून तक का रेट दिया हुआ था, दिया है ना, यहां तक क्लियर, तो हमको 1 जून तक का वैल्यू मिल गया। अब और कितने दिन ऐड करने हैं, और 18 तारीख तक, बिकॉज ये 1 जून तक का है,
फर्स्ट जून से जुलाई मतलब ये स्टार्टिंग का रेट हुआ ना, क्यों फर्स्ट जून काउंट हो गया ना इसके लिए 17 लिया हुआ, तो सेम कैलकुलेशन 325 110, कितने डेज के लिए 30 डेज के लिए इनटू 17 राउंड ऑफ कर दिया सेम 275 80 डिस्काउंट है यहाँ पे देखना, इसके लिए माइनस किया हुआ हमने डिस्काउंट माइनस, और बाकी रिमेनिंग अगर 2 month 15 days पूछा है इधर शायद मेरे लोग मेरे को लगता नहीं सॉल्व किया रहेगा, नहीं किया, क्लियर फाइनली समझ में आया सब। अच्छा वो वाला भी अलग है, वो वाला मैं आपको करके देता हूँ, आज इतना करता हूँ इधर, चलो बस 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 हो गया भाई आज इतना ही करते हो, फुली वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।